हेलो बच्चों, तो आज वाले इस लेक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे। देखो, इस चैप्टर का पार्ट ई के अंदर आपको क्या है, देखो नाइट्रो कंपाउंड पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको मैंने पीछे वाले जो लेक्चर्स थे उनके अंदर मैंने आपको पार्ट ए बी सी डी ये चार पार्ट करा दिए हैं, ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है ये, जो कि आपका पार्ट ई है। इसके अंदर अपने क्या आएगा, नाइट्रो कंपाउंड। तो नाइट्रो कंपाउंड देखो, आपको बेसिकली मैं बताऊँ होता क्या है, NO2 ग्रुप है एक तरीके का, और कुछ नहीं है। अब करेंगे क्या, अपन किसी एलिफेटिक एल्केन या फिर कोई एरोमेटिक कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसकी जगह क्या जोड़ देंगे, नाइट्रो ग्रुप जोड़ देंगे। जब नाइट्रो ग्रुप जोड़ेंगे तो उसको फिर अपन बोलेंगे कि तो नाइट्रो एल्केन, या फिर बोलेंगे जैसे बेंजीन एरोमेटिक जोड़ रहा हूँ तो नाइट्रो बेंजीन। तो इस तरीके से क्या अपने को पढ़ना है, मतलब नाइट्रो ग्रुप के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन वही उसकी नेमिंग पढ़ेंगे थोड़ी सी, वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के हैं उसके। फिर उसके बाद में उसकी वही प्रिपरेशन मेथड, वही फिर केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिर लास्ट में उसके एक दो यूज़ पढ़ेंगे। इस तरीके से क्या होगा, आपको मैं कराऊंगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इस चैप्टर के होने के बाद आप कहेंगे क्वेश्चन। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं लाइव क्लास का बोल रहा था वो लाइव क्लास ध्यान रखना। जब इस चैप्टर के मैं क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद में जब नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा उस वो लाइव क्लास आएगी, आपकी वहाँ से लाइव क्लास आएगी, ध्यान रखना। और टाइम होगा शाम को 7:15 बजे, 7:15 से लेके 8 बजे के बीच में आपको मैं पर डेली क्लास आएगी, ठीक है ना। तो मैं धीरे धीरे क्या पूरा सेटअप बिठा रहा हूँ किस तरीके से लाइव क्लास होगा, ठीक है ना। थोड़ा लाइव क्लास का अभी ज़्यादा किया भी नहीं है तो एक्सपीरियंस भी नहीं है इतना करने का, ठीक है ना। तो सेटअप बिठा रहा हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लाइव होने लग जाएगा फिर बहुत बढ़िया है, लाइव होता है बिल्कुल, है ना। तो लाइव क्लास होगी, ठीक है। तो बाकी जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भेजो भाई, बोलो कि पढ़ो, अब तो टाइम हो गया पढ़ने का, समझ रहे हो ना मेरी बात। जुलाई आ गई, इतने दिन तो फिर भी मजे कर रहे थे, अब मत मजे करो, ठीक है। तो चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं ना नाइट्रो कंपाउंड। तो देखो नाइट्रो कंपाउंड में अपने को पढ़ना क्या है, सुनो। सबसे पहले नाइट्रो कंपाउंड है क्या, तो नाइट्रो कंपाउंड सुनना ही है आपका, NO2 ग्रुप है, क्या है, NO2 ग्रुप। अब इस NO2 की जो मैंने ये फ्री वैलेंसी छोड़ रखी है, मैं चाहूँ तो इससे एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दूँ और चाहूँ तो एक हाइड्रोकार्बन जोड़ दूँ, वो मेरे पे डिपेंड करता है। जैसे मैं देखो इसमें एक एल्केन जोड़ के देखता हूँ, मैं इसके अंदर एक एल्काइल ग्रुप जोड़ता हूँ, एक एल्काइल ग्रुप RNO2 हो सकता है, एक एल्काइल ग्रुप ये जोड़ सकता हूँ, क्या ये देखो ये हो गया अपना NO2। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रो बेंजीन, क्या बोलते हैं, नाइट्रो बेंजीन, याद रखना, ये हो गया आपका नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। क्या हो गया इसका, नाइट्रो बेंजीन हो गया, नाइट्रो बेंजीन हो गया। अब साथ ही साथ ये है आपका एल्केन। अब आपको मैं बताऊँ, नाइट्रो कंपाउंड जो एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड होती है ये तो एरोमेटिक है, ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक बेंजीन जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको मैं बताऊँ, जब अपने पास में कोई एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड होते हैं तो उसके टाइप होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो टाइप इस तरीके से होते हैं, सुनना, इसको डिग्रीज में डिफाइड मतलब क्लासिफाई किया हुआ है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो ये देखो कैसे होता है, यदि आप सुनो, इसके मैं तीन टाइप आपको यही बता दूंगा, इसके तीन टाइप में यही बता दूंगा आपको, सुनो। यदि आर ग्रुप मेरा CH3 हो और इसको NO2 के साथ जोड़ दूं तो इसको वो, या बी है 1 डिग्री, अगली बात समझ में, 1 डिग्री क्यों, क्योंकि NO2 सिर्फ आपके एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। अगली बात समझ में रख लोगे बात याद, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो। अब ध्यान रखना NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम आता है, प्रतिस्थापी की तरह, तो इसलिए इसको मैं क्या बोलूँगा, सब्स्टिट्यूएंट है ये, तो इसके लिए तो वर्ड लगूंगा नाइट्रो। तो देखो ये तो हो गया आपका नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो। तो ये एक कार्बन है तो इसके लिए क्या होगा, मेथेन, समझ गए क्या मेरी बात। ये हो गया अपना नाइट्रो मेथेन, मतलब नाइट्रो मेथेन, ठीक है, क्या हो जाएगा ये अपने नाइट्रोमेथेन हो जाएगा, रही की बात याद। उसके बाद में अपने को अगला क्या करना है, अगला सुनो, अगला क्या है आप सुनो। अब ये तो था अपना 1 डिग्री, समझ गए, अब अपना कौन सा है दूसरा, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री सुनो किस तरीके से होता है, 2 डिग्री इस तरीके से होता है कि जब आपके पास में आओ CH3 और इस पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हो, NO2, आ गई बात समझ में। तो NO2 आपका अब सब्सटूएंट है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है जो आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे। जब सब्सटूएंट होता है तो आपको ऐसी चेन लेनी होती है जिस जहाँ से एक तो सब्सटूएंट पास में और सबसे लॉन्ग चेन हो। तो एक नंबर ये हो गया, दो नंबर ये हो गया और तीन नंबर ये हो गया। तो मैं क्या बोलूँगा सुनो, 2 नाइट्रो, ठीक है, क्या हो गया अपने 2 नाइट्रो और ये क्या हो गया प्रोपेन, समझ गए मेरी बात। तो ये हो गया आपका प्रोपेन,
रख लोगे बात याद, तो ये 2 नाइट्रोप्रोपेन हो गए आपके, समझ में आ गई बात। तो ये कितने डिग्री है आपके, 2 डिग्री है, आ गई बात समझ में। देखो आपको दिख कम रहा होगा तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ कैमरे को, समझ गए। तो ये आपके पास में 2 नाइट्रोप्रोपेन है, कर लोगे। ऐसे ही आप एक 3 डिग्री भी बना सकते हो, तो 3 डिग्री सुनो इस तरीके से बन जाएगा, या डालो में 3 डिग्री इस तरीके से बनेगा, CH3, देखो ये नहीं आएगा, CH3 और ये CH3, बोलो समझ गए। और एक इस पे क्या जोड़ दूं मैं, NO2। जब आप इस तरीके से जोड़ देते हो तो ये बन गया आपका 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन, ठीक है ना। मतलब अब इसका नाम सुनो तो नाम हो जाएगा 1, 2, 3। तो 2 पे तो मिथाइल है और 2 पे ही नाइट्रो है, मतलब इसके अंदर 2 सब्सटेंट है। तो M पहले आता है कि N पहले आता है, तो ABCD काउंट करो, ठीक है, क्योंकि ये मिथाइल और ये नाइट्रो है, तो मिथाइल का तो M और नाइट्रो का N। अब ABCDEFGHIJKLMN, N बाद में आता है, M पहले आता है, तो क्या करूँगा मैं इसका नाम लिखूंगा 2-methyl, ठीक है, 2-methyl 2-nitro, और ये क्या हो गया सर, प्रोपेन। बोलो बात आ रही क्या समझ में। तो ये 2-methyl 2-nitro-propane इस तरीके की, देखो ये स्ट्रक्चर है, आपको ये समझ में आनी चाहिए। ये नाइट्रोमेथेन, ये 2-nitro-methane, और ये 2-nitro-propane, और ये 2-methyl-nitro-propane 2-nitro-propane। देखो अब मेरी बात सुनो, ये जो है ये 3 डिग्री है, क्यों, क्योंकि NO2 ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच है। देखो NO2 जिस कार्बन से अटैच है वो 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच है, इसलिए इसको मैंने क्या बोल रखा है, 3 डिग्री, समझ गए। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है, कर लोगे इस तरीके से तो आपको हो जाएगा। फिर उसके बाद सुनो, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, ऐसे अब और भी एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ। तो ये देखो, इसके तो आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक अपन अदर से एग्जाम्पल लेते हैं, सुनो ऐसा होता सर, CH2 या CH3, और ये हो गया आपका OH, ठीक है, और ये हो गया आपका N। मतलब कभी कभी क्या होता है, मल्टी फंक्शनल ग्रुप देता है, मल्टी फंक्शनल ग्रुप का मतलब है 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप देता है। तो देखो ये तो हो गया आपका CH2, ठीक। अब इसको काउंट करो, तो काउंट किधर से करोगे, देखो जो मैं यहाँ बोल रहा था ना सब्स्टिट्यूएंट का नंबर लॉन्ग चेन, देखो मेन फंक्शन ग्रुप CWH है। इसमें आपको क्या है कि इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर आपको 11th क्लास में पढ़ाई जाती है, वहां से आप देखना। तो ये आपका हो गया 1 नंबर, फिर ये आपका 2 नंबर, फिर ये आपका 3, और ये फिर आपका 4, समझ गए। अब इसका नंबरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, तो सुनो ये तो नाइट्रो है, ये हाइड्रोक्सी है, तो H पहले आता है, तो देखो इन दोनों का तो प्रीफिक्स आएगा और इसका सफिक्स आएगा, मतलब इसका तो अनुलग्न और इसका दोनों का पूर्वलग्न, समझ गए, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, 2 डिग्री आपको पता रखा है, मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा इसका 2-hydroxy, समझना 2 पे हाइड्रोक्सी और 2 पे ही क्या है आपके, नाइट्रो ग्रुप है, बोलो समझ गए। और 4 कार्बन है और साथ में ओइक एसिड और है, तो मैं क्या बोलूंगा, ब्यूटेन ओइक एसिड, बोलो समझ गए मेरी बात। तो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड बोलो या ब्यूटेन ओइक एसिड बोलो, बात एक ही है, समझ गए ना मेरी बात, ये हट जाएगा, आपको पता है रूल्स है ना। तो ये अपना क्या है, इसके नेमिंग हो गई। अब अपन क्या पढ़ेंगे, इसके प्रिपरेशन मेथड। तो देखो प्रिपरेशन मेथड पढ़ने हैं अपने को अभी, या टालू में, अच्छा कभी कभी ध्यान रखना यहाँ पे भी कई बार NO2 लगा देता है, तो इसका तो आप कर लोगे, तो 1-2, तो ये क्या हो जाएगा, 1-2 डाइनाइट्रो बेंजीन। कई बार क्या होता है यहाँ OH ग्रुप लगा देता है, तो OH ग्रुप लगाएगा तो सुनो ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 2, क्योंकि OH मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब एक बात समझ में, तो ध्यान रखना अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-nitrophenol, क्योंकि इतने को फिनॉल बोलते हैं, देखो इतने को, ये तो दिख रहा है ना आपको, इतने को फिनॉल बोलते हैं, ये 2 पे नाइट्रो है तो 2-nitrophenol हो जाएगा, या कॉमन नेम में बोलूँ तो इसको ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल भी बोलते हैं, रख लोगे याद। चलो अब नाम आप कर लोगे, ठीक है ना, ध्यान रखना NO2 सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम आएगा, प्रतिस्थापी की तरह, फंक्शनल ग्रुप की तरह काम नहीं आएगा। फंक्शनल ग्रुप जिधर से दिखेगा नंबरिंग उधर से पहले स्टार्ट करनी है, समझ गए। चलो तो ये बात तो आपको आ गई समझ में, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, इसका प्रिपरेशन मेथड, इनको बनाते कैसे हैं, इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं, ठीक है।
तो देखो प्रिपरेशन मेथड का जो लेक्चर आएगा वो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा। अब अगले लेक्चर के अंदर अपन प्रिपरेशन मेथड करेंगे। इस वाले लेक्चर के अंदर सिर्फ आपको यूपीएससी कराइए, ठीक है ना। तो लेक्चर अब आपके पास में छोटे छोटे आएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। कई लोग हैं जो बोल रहे हैं सर लेक्चर हमसे देखे नहीं जाते बड़े, तो भैया अब आगे वाले लेक्चर तो बड़े ही आएंगे। अब तो 45 मिनट से एक घंटे के बीच के लेक्चर आएंगे सारे, अभी तक तो आधे आधे घंटे के आते थे। तो इस वाले लेक्चर में इतना करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।